कहाँ से खिला दिया तुम तो? तो इसे पकड़ते हैं इसमें। बहुत दिन बाद आए हैं अमन के घर और यहाँ पे छत वगैरह ढलाई हुई है, तो वहीं पे सुबह सुबह पानी दे रहा था, तो हम आगे पैर हाथ धोने के लिए छत के ऊपर में, पीछे रहा भांगड़ू भाई। गांव का यह नज़ारा बहुत दिन के बाद में कुछ अलग ही लग रहा है। मतलब रात को ही हम यहाँ आ गए थे और अभी यहाँ पे सो के उठने के बाद में, और यार गाँव में आने के बाद में बाहर जो खटिया लगा के सोए थे ना, मज़ा आ गया था। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते जो हाथ, दिस इज सोनी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल SRN ब्लॉग्स। आज आप लोग को दिखाने वाले गाँव के नज़ारे और आज क्या क्या करने वाले हैं गांव में आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमें टाइम मिली है इधर घूमने के लिए। यहाँ से नीचे उतरते हैं और ब्रश वगैरह करते हैं, वगैरह करते हैं, फिर कहाँ जाएंगे वो प्लान करते हैं। लोकेशन देखकर पता चल रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज गांव में हैं तो भाई कहाँ जाएंगे, दिन भर बोर हो जाएंगे बोल के हम निकल चुके हैं मछली मारने के लिए। जंगल के साइड में एक तालाब है वहाँ पे, और अभी हम लोग हैं चार लोग यहाँ पे और दो लोग पहुँच चुका है पहले ही। हम लोग पहुंच गए हैं लाल तालाब। अब लाल कैसे हो गया यहाँ का पानी? सागर तो सागर बोलते, डोभा बोलते हैं वे। तो यहाँ पे हम लोग मछली मारने वाले हैं और एक मछली लेके आए हैं। ये सूखा पाएगा पानी हाँ। और ये हमारे टीम मेंबर्स जो कि काम करने वाले हैं अभी। तो ये रहे हमारे ITI के स्टूडेंट्स जो कि मशीन को स्टार्ट करने का काम करेंगे, और ये हुआ हेल्पर। क्या करेगी तुमको पानी लेके आना है उसमें? यहाँ पे झरना बर्तन जिसमें कि पानी लेके आएगी। किरण कहाँ से लेके आएगी? क्योंकि गर्मी का मौसम है भाई, पूरा धूप है, दोपहर का टाइम है, तो प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। पियर को दिखा देंगे ना? का? पियर। चार बोलते जिसको से? किट्टी। का? किट्टी। हाँ। जात कर लड़ने। अब पानी किधर फेंकेगा? उधर फेंको ना। नहीं इधर फेंको, इधर इधर। लेकिन हमको ये बताओ कि लाल कैसे हो गया? रेड? मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। भाई साहब ऐसे ही घुस गया पानी के अंदर में, कीचड़ वगैरह बहुत ज्यादा। कभी भर कैसे नहीं भर। अच्छा तो ITI में पढ़ा था अमन? हाँ हम किए हैं ऐसा बोले तो मोटर बनाने के लिए सीखे हैं। मोटर हम बैग शाबाश। एक भाई खतरनाक काला हो गया पाइप। मशीन तो स्टार्ट हो चुकी है बट के देखते हैं कितना टाइम में पानी डाउन होती है, मतलब कम हो जाती है। और भाई मेरा काम तो है भाई चुपचाप आगे बैठ के देखते रहते हैं जब तक नहीं सूखेगा पानी। भाई झरना चालू, पूरा पत्थर साफ कर देगा। हम लोग यहाँ पे बना दिया छोटा सा वाटरफॉल, देखो तो नीचे में पानी गिर रही है। फोटो वोटो खींचा ना है? फोटो वोटो खिंचाना है जहाँ नीचे में। अब बहुत ज़्यादा ही धूप लगने लगी है और हम पानी लेकर नहीं आए थे, एक बोतल में लेकर आए थे वो भी ख़त्म हो गई पीते पीते। और अभी हम झरना के साइड में आ गए हैं, इधर एक जिंदा झरना है बस पानी कम है। हम एक बर्तन लेकर आए हैं जो कि संजू पकड़ के आगे आगे जा रहा है, और हम कहीं पे तलाश कर रहे हैं पीने वाला पानी, जहाँ पे कि लोग जंगल आते हैं ना झरना किनारे, खोद के थोड़ा चूहा टाइप से बनाते हैं और वहाँ का पानी पीते हैं, तो वही वाला ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर पहले हुआ करता था बट वहाँ पर तो पानी भर गई है तो वहाँ पर नहीं मिला। तलाश करते हैं या फिर हमें अगर नहीं मिलेगी तो बालू के किनारे में हमें गड्ढा खोद के बनाना पड़ेगा, क्योंकि बालू से पानी फिल्टर होकर आएगी तो उसको हम पी सकते हैं। तो पहले तो तलाश करते हैं। मिल गया। लोग ऐसे बनाते हैं, देखो
झरना बह रहे किनारे से, तो बालू से राउंड करके यहाँ का पानी हटा देते हैं। तो जितना भी पानी है ना नदी का, वो फिल्टर होकर इसमें आती है, तो यहाँ का पानी लोग पी सकते हैं और हम भी पियेंगे यार, क्या करेंगे। और अभी यहाँ तो पानी मिलने वाला है नहीं, ऐसा ही पानी मिलेगा, लेकिन ये पानी भी गंदी नहीं है, क्योंकि यह झरना ना जंगल से होकर आ रही है, जंगल से निकल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है पीने से। और पीने से आई थिंक ठंडा ही लगेगा, क्योंकि झरने का जो पानी है ये भी ठंडा है। तो मज़े लेते हैं इस पानी का। पानी तो भर चुके हैं हम, लेकिन लेने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि पकड़ लेके जाना दूर था थोड़ा। और संजू शीर में ढो लिया है पानी का बर्तन को, और यार इसमें एक शीर में तो कुछ लगाया नहीं है, कल एक रुमाल था उसे लगा दिए हैं। इधर से रास्ता नहीं, इधर घूमना पड़ेगा, उसी में चलो, या फिर चल इधर चल इसी में। मशीन हमारा चालू है, जब तक पानी नहीं सूख जाता तब तक हम क्या करें, तो कुछ तो करना था। और दो बंदा चला गया है फिर से एक मशीन लेने के लिए, क्योंकि एक मशीन से बहुत ज़्यादा इस टाइम लग जाएगा हमें इसको पानी खाली करने के लिए। तो भाई क्या करें समझ में नहीं आया, तो हम टाइम पास करने के लिए क्या खेल रहे हैं आप ज़रा देखो। ये लोग बचपन में खेला करते थे, हम भी खेला करते थे, बट भाई आजकल कौन खेलता है यार, देखो ये वाला गेम। अभी तक हम हार रहे हैं, ये पूरा जीत रही है किरण, एक टू लेना इसके तो खाली हो गया यार। ये वाला गेम कौन कौन खेला है बताओ हमें कमेंट करके, बताना है कि नहीं बताओ। अच्छा ये गेम को क्या बोलते हैं? चाल गोटी। वो चाल गोटी, अबे यार मैं तो खाली कर दिया तू, ये चार पांच 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 गड्ढा है सबका, और ये तो चार गड्ढा का ले लिए है और हम एक भी नहीं लिए। अरे एक लिए हैं, भूल गए थे हम, एक ही आया यार। अरे अभी तक कितना पकड़ाया है, जो कि अभी तो मारा नहीं है, पानी सूखा नहीं है अपना ज़्यादा। और ये सालों में देख रहे हो ना तालाब में घूम रहे हैं, सारे लोग अपना अपना प्लास्टिक झोला थैला लेके घोंघे उठा रहे हैं। घोंघे होते हैं ऐसे देखो, हाथे खिला दिया तुमको तो ऐसे ही पकड़ते हैं तो भागी तो हमको नहीं। अबे बोले ना तुमसे, चलना कितना भागेगा। अब शाम हो चुकी है और हम जो मछली मार रहे थे पूरा पानी सुखा चुके हैं और लगभग लगभग पूरा मछली ख़त्म कर दिए हैं, बट जो मछली है ना जो कीचड़ में दब गई है वो बच गई है, तो अभी तो हम लोग नहीं मारेंगे, बट सुबह जल्दी आना पड़ेगा। भाई तो लोग क्या लेके जा रहे रे, तो मछली ढूंढने पा रहे बताओ, ये लोग स्कूटी में लोड कर देते हैं, लेके जाएगा ये लोग, आप लेके जाओ। पानी खत्म हो चुका है, बट थोड़ा बहुत बाकी है, जो किचन में फंस गया था उसको दिखते हैं, जितना हो सके निकाल लेते हैं अभी रात में ही। आम खाना है, दौड़ के आओ। हाँ